हे गाइस, आई एम शुभम, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम निकर्स। तो मैं आज ड्रॉ करने वाला हूँ चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा सर। तो मैं आज उनको ड्रॉ करने वाला हूँ आउटलाइन, एंड जो शेडिंग ट्यूटोरियल है वो जल्दी आने वाला है, और ये है आउटलाइन ट्यूटोरियल, फ्री हैंड ड्रॉइंग कैसे करते हैं ये सिखाऊंगा। एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, आप लोगों को फ्री हैंड ड्रॉ करने के लिए बीच में एक लाइन देना होगा और प्लस का जैसा आप लोग को ड्रॉ कर लेना होगा, क्योंकि वो जो प्लस का मिडिल लाइन है, अगर उस जैसे कि आप लोग अभी देख पा रहे होंगे रेफरेंस पिक्चर, जो हिमंत डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा सर का जो रेफरेंस पिक्चर है वो थोड़ा सा टेढ़ा है, मतलब टेढ़ा करके हंस रहे हैं। वैसे ही अगर जो रेफरेंस पिक्चर टेढ़ा है या सीधा है उस पर अगर आप लोग फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हैं तो आप लोगों को एक प्लस देना होगा। जो मिडिल लाइन है वो हेल्प करता है फेस का डायरेक्शन किस तरफ मूव है, और ग्रिड मेथड से अगर आप लोग कर रहे हैं तो इतना तकलीफ़ की कोई बात नहीं है। एंड गाइस, अभी मैं आफ्टर डैट मैं कर रहा हूँ नोज़ के लिए आप लोगों को तीन लाइन आप लोग दे देना, लेकिन क्योंकि मैंने नहीं दिया है, क्योंकि मैं भूल गया था देने को, और इसीलिए आप लोग तीन लाइन दे देना। एक लाइन आइज़ के लिए, एक्यूरेट साइज में बैठने के लिए आइज़, नोज़ या माउथ में भी देना, नहीं देने से भी होगा, लेकिन अगर आप लोग बिगिनर है तो आप लोगों का जो नोज़ का डायरेक्शन है, मतलब अगर जो आइज़ का डायरेक्शन ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करके है, और अगर आपने वहीं पर एक लाइन नहीं दिया नोज़ के उधर, तो आप लोगों का जो अगर बिगिनर्स से जो ड्रॉ कर रहे हैं, बिगिनर्स जो ड्रॉ कर रहे हैं उनका जो रेफरेंस पिक्चर है उससे मैच नहीं होगा, क्योंकि जो नोज़ है वो नहीं मिलेगा आईज से। अभी जैसे आप लोग देख रहे हैं मैंने लाइन नहीं दिया है, तब भी मेरा जो एक रो में बन कर आया है, एंड अभी अच्छा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने अभी तक पूरा ड्रॉ नहीं किया है। आप लोगों को तीन लाइन देना होगा जैसे कि मैंने बताया। एंड गाइस, मैं इसका सेकंड पार्ट भी लाने वाला हूँ, शेडिंग ट्यूटोरियल। वह आप लोग बोलिए, आप लोग बोलना कि वहाँ पर मैं ट्यूटोरियल लाऊं या टाइम लैप्स लाऊं, वो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड गाइज, एंड आफ्टर डैट मैं जो फॉर है, जो माउथ का जो सेप है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। आप लोग को माउथ का सेप ड्रॉ करने के लिए फ्री हैंड आप लोगों को देखना होगा। आप लोग अगर रेफरेंस पिक्चर जो है वो छोटे पेपर पर कर रहे हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, उस जगह पर आप लोग को एकदम देख के करना होगा कि हाँ ये मिल रहा है। अभी आप लोग देख सकते हैं कि मेरा थोड़ा सा बड़ा हो गया था, जिससे अच्छा नहीं दिख रहा था और अभी अच्छा दिख रहा है। आफ्टर डैट आप लोग को वैसे ही करना होगा फ्री हैंड ड्राइंग में। फ्री हैंड ड्राइंग में इतना कंफर्ट नहीं मिलता, कंफर्ट मिलता है लेकिन वो करने के लिए आसानी नहीं है फ्री हैंड ड्राइंग में। जैसे आप लोग देख सकते हैं मैं अभी नीचे का कर रहा हूँ, उस पर मैंने कितना राब किया है, वही अगर ग्रिड में होता तो मैं एक लाइन में ही ड्रॉ कर लेता। तो गाइस, अभी आप लोग देख सकते हैं मैं फ्री हैंड ड्राइंग करने के बाद भी बिना ग्रिड मेथड का यूज़ करके भी जो रेफरेंस पिक्चर है वो, जो फोटो है जो मैंने अभी ड्रॉ किया है वो रेफरेंस पिक्चर से मिल जुल रहा है। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा नहीं मिल रहा है क्योंकि ये है फ्री हैंड ड्राइंग। एंड गाइस, मेन चीज़ आप लोगों को फ्री हैंड ड्राइंग करने के लिए आप लोगों को जो रेफरेंस पिक्चर है वो अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा कहाँ पर क्या है, और अगर आप लोग रेफरेंस पिक्चर में छोटा करके ड्रॉ कर रहे हैं, रेफरेंस पिक्चर जो है वो छोटा करके कर रहे हैं फ़ोटो से, तो आप लोगों को बहुत मेहनत करना होगा। तो गाइस, अभी आप लोग देख सकते हैं जो फेस है उससे जो हमारा जो हेयर है वो नहीं मिल रहा है, तो मैं अभी उसको फिर से रब करूँगा, एंड फिर से रब करने के बाद उसको अच्छे से फिर से मिलाऊँगा। एंड अभी मैं उनका टी शर्ट ड्रॉ कर रहा हूँ।
गाइस कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और गाइस ये इसका जो ट्यूटोरियल पार्ट है, शेडिंग ट्यूटोरियल पार्ट है, वो मैं पेंसिल ग्रेफाइट से करने वाला हूँ एंड वो भी जल्दी ही आने वाला है। एंड गाइस जल्दी से जल्दी 50 सब्सक्राइबर्स कर दीजिए, एक स्पेशल वीडियो आने वाला है। कल एक मैं सोच रहा हूँ वाटर कलर का भी एक ड्राइंग लाओ कल, तो यार तब तक के लिए बाय बाय।